वेलकम टू इंग्लिश इजी स्टूडेंट्स, ये वीडियो फर्स्ट ईयर की बुक थ्री के बारे में है और इस वीडियो में बुक थ्री के जो थ्री प्लेज हैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लेज की तैयारी करने से पहले स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिए, बोर्ड के पेपर में प्लेज में से 8 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से 5 आपने अटेम्प्ट करना होते हैं, और जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन 8 में से कम अज़ कम 5 क्वेश्चंस और आम तौर पे 6 क्वेश्चंस प्ले 1 और प्ले 2 से ही आ जाते हैं। यानी अगर आप प्ले 1 और प्ले 2 को अच्छी तरह तैयार कर लें, उनके क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और उन दोनों प्लेज को एक बार अच्छी तरह पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि कभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले आते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बगैर यानी प्लेज के अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप वो प्ले 1 और प्ले 2 अच्छी तरह तैयार कर लें तो आप 8 में से 5 क्वेश्चन बआसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आपको तीसरे प्ले की तैयारी के लिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू इंग्लिश ईजी स्टूडेंट्स, ये वीडियो फर्स्ट ईयर की बुक थ्री के बारे में है और इस वीडियो में बुक थ्री के जो थ्री प्लेज हैं उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लेज की तैयारी करने से पहले स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिए, बोर्ड के पेपर में प्लेज में से 8 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से 5 आपने अटेम्प्ट करना होते हैं, और जब आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन 8 में से कम अज़ कम 5 क्वेश्चंस और आम तौर पे 6 क्वेश्चंस प्ले 1 और प्ले 2 से ही आ जाते हैं। यानी अगर आप प्ले 1 और प्ले 2 को अच्छी तरह तैयार कर लें, उनके क्वेश्चंस अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और उन दोनों प्लेज को एक बार अच्छी तरह पढ़ ज़रूर लें, क्योंकि कभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले आते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बगैर यानी प्लेज के अंदर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप वो प्ले 1 और प्ले 2 अच्छी तरह तैयार कर लें तो आप 8 में से 5 क्वेश्चन बआसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आपको तीसरे प्ले की तैयारी के लिए वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।